तो फाइनली पोको ने पोको M2 इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस रखी है 11,000 रुपये, और ये फुल्ली रीब्रांडेड फोन है। जी हाँ, ये Redmi 9 Prime का है, और आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ डिफरेंट है यानी Redmi 9 Prime से, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो है 10,000 रुपये और Poco M2 का जो प्राइस है वो है 11,000 रुपये। क्या कुछ अधिक देखने को मिलता है, क्या कुछ कमियां हैं, और क्या ये वाकई में लेने लायक है या ओवर प्राइस हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है, काफ़ी बेहतरीन देखने में लगती है। अगर हम इस प्राइस सेगमेंट में देखते हैं तो भैया फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देना सभी स्मार्टफोन की बस की बात नहीं है, क्योंकि सभी इस प्राइस सेगमेंट में एचडी प्लस ही डिस्प्ले प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन डिस्प्ले वाइज में बढ़िया है, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, और यही सेम डिजाइन आपको रेडमी 9 प्राइम में मिलता है। सेम साइज की डिस्प्ले, सेम हर एक चीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम हो जाता है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस लेवल की। तो यहाँ पे पोको M2 के अंदर दे रखा है मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि ये रेडमी 9 प्राइम में भी है, अब यहाँ पे पोको M2 में भी है, तो यानी परफॉर्मेंस लेवल सेम है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इन स्मार्टफोन्स में एक बदलाव जरूर है रैम को लेकर और रोम को लेकर, क्योंकि जो रैम दी गई उसके अंदर 4GB रैम प्रोवाइड कराई गई है 64GB के साथ में, और यहाँ पे आपको 6GB रैम प्रोवाइड कराए गए हैं वो भी 128GB और 64GB के साथ में, यानी 2GB रैम आपको एक्स्ट्रा दी जाती है। और साथ में एक और चीज़ है, और इसमें जो रैम टाइप यूज किया गया है Redmi 9 Prime के अंदर वो है eMMC 5.1, और यहाँ पे अगर आप पोको M2 में देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है LPDDR4X। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है रीड एंड राइट की स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो पोको M2 के अंदर आप जब भैया जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे रीड एंड राइट की थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी कंपेयर टू रेडमी 9 प्राइम की। नॉर्मली तो आपको मतलब नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं किसी स्मार्टफोन के अंदर तब थोड़ा बहुत लास्ट में फ़र्क पता चलता है थोड़े दिनों के बाद यूज करने पर। वहीं पर बात लेते हैं इन दोनों की बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे जो बैटरी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, पोको M2 में दी गई है 5000 mAh की बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग के साथ में। अब यहाँ पे खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 18W की फास्ट चार्जिंग इनेबल जरूर कर दी गई है मार्केटिंग टर्म में यूज करके, क्योंकि यहाँ पे आपको 10W का चार्जर ही मिलता है। अगर आप खरीदते हैं भैया इसका जो दूसरा वेरिएंट है 12,500 रुपये का, वो आप अगर बाई करते हैं और आप 600 रुपये का अलग से मतलब कि चार्जर बाई करते हैं, तब तो ये 13,000 रुपये तक पड़ जाएगा। उससे 1,000 रुपये डाल के आप पोको M2 Pro ही क्यों ना बाई कर लें। तो यहाँ पे जो चार्जर है अलग से आपको बाई करना पड़ेगा, चार्जर आपको 10W का ही बॉक्स के अंदर मिलता है। लेकिन आप Redmi 9 Prime की बात करें तो यहाँ पे भैया आपको सेम बैटरी तो नहीं है, 5020 mAh की बैटरी दी है, यानी 20 mAh थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, और साथ में आपको मिलता है 18W की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे सेम है बट वही चीज़ 10W का ही चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पर अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरा स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे भैया कैमरा स्पेसिफिकेशंस भी बिल्कुल सेम है, मैंने जैसे पहले ही बताया था ये फुल्ली रीब्रांडेड फ़ोन है। तो यहाँ पे 13 MP, 8 MP, 5 MP और 2 MP का कैमरा यूज किया गया है, जिसमें आपको पता ही चल जाता है कि भैया कौन सा कैमरा कितना यूजफुल है, क्योंकि 13 MP का तो आपका मेन सेंसर है, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल, भैया आपका 5 MP माइक्रो, जिसे आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि 5 MP का माइक्रो सेंसर जो होता है माइक्रो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होता है। लेकिन यहाँ पे जो 2 MP का डेप्थ है वो काफ़ी कम यूज़ करते हैं लोग, और काफ़ी कम यूजफुल भी होता है, तो यहाँ पे 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं पर अगर आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे भैया 8 MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है, जो कि दोनों के ही अंदर सेम है, यानी कि कैमरा स्पेक्स भी सेम होने वाले हैं। अब यहाँ पर भैया बात कर लेते हैं इनकी प्राइजिंग की, इनकी स्टोरेज की। तो इनका जो प्राइजिंग है भैया Redmi 9 Prime की बात कर लें तो यहाँ पे 4GB 64GB जो आता है वो 10,000 रुपये का है,
आपका भैया आता है 4GB 128GB, वो है आपका 12,000 रुपए का। जी हाँ, वहीं पर अगर बात करें भैया पोको M2 की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे भैया दो वेरिएंट इसके लॉन्च किए गए हैं, एक है 6GB 64GB और एक है 6GB 128GB। आपका 6GB 64GB है वो 11,000 रुपए का है और 6GB 128GB वो 12,500 रुपए का है। यानी कि जो दूसरा वेरिएंट है वो बिल्कुल भी भैया प्राइस नहीं लेने वाला है, वो ओवर प्राइस हो जाता है, क्योंकि थोड़े से रुपए आपको ऐड करके पोको M2 Pro मिल जाएगा। अगर आप थोड़े से और ऐड करेंगे तो आपको Redmi Note 9 Pro मिल जाएगा, वो तो नहीं लेने वाला है। अगर देखा जाए पोको M2 Pro के आने के बाद, पोको M2 Pro ज़्यादा बेटर है Redmi Note 9 Pro से। जी हाँ, तो यहाँ पर मतलब कि क्या और भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं जिन्हें आप देखकर इसको बाय करना चाहेंगे पोको M2 को, क्योंकि इसके अंदर आपको एड्स नहीं देखने को मिलते हैं, ये एक सबसे अच्छी बात है। अगर आप देखें Redmi 9 Prime से क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको एड्स नहीं देखने को मिलते हैं और साथ में आपको पोको लॉन्चर मिलता है, यानी MIUI 11 के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है जो पोको लॉन्चर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड जैसी फीलिंग देता है। तो अगर आपको पोको लॉन्चर पसंद है, अगर आपको एड्स नहीं देखने, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन अच्छा हो जाता है। वहीं पर अगर आप देखते हैं Redmi 9 Prime में, तो वहाँ पे भैया एड्स आते हैं, भर भर के आते हैं, लेकिन आपसे अंदर जाके सेटिंग के अंदर जाके हर एक ऐप के आपको डिसेबल करेंगे, यानी कि अंदर खुद से मैनुअली डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं, तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खींच किए 10,000 रुपये ही प्राइस बनता है, यानी कि 10,000 रुपये बजट ही बनता है, तब तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है Redmi 9 Prime। लेकिन आप 1,000 रुपये अगर जुटा सकते हैं, तब आपके लिए भैया पोको M2 भी बेटर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2GB रैम मिल जाता है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपको मिल जाता है भैया आपका नो एड्स, यानी एड्स भी नहीं देखने को मिलते हैं, पोको लॉन्चर मिल जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं, और LPDDR4X की यहाँ पे रैम मिल जाती है। कुछ चीज़ें तो अपग्रेड जरूर हैं, लेकिन रीब्रांडेड जरूर है यहाँ पे। और इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm जैक, टाइप सी पोर्ट और फिंगरप्रिंट भैया बैक साइड में देखने को मिलता है, जो सेम पोजीशन पे, यानी कि जो अगर आप Redmi 9 Prime की देखेंगे तो वैसे ही पोजीशन दे रखी है। बस अगर आप Redmi 9 Prime से डिफरेंस देखेंगे बैक में, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, आपको पोको M2 के अंदर भैया डुअल टोन कलर देखने को मिल जाता है, आपको भैया Redmi 9 Prime में दूसरे तरीके का डिज़ाइन मिलता है, थोड़ा सा कैमरा के साइड साइड में राउंड राउंड दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस प्रकार का, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल क्लीन है और आपको डुअल टोन डिज़ाइन देखने को मिलता है। कुछ कलर्स आपके सामने दिख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार के कलर हैं जो कि ब्लू ग्रे और यहाँ पे ब्लू ब्लैक जैसा कुछ है और रेड ब्रिक जैसा कलर आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। और यहाँ पे आपको मिलता है IR ब्लास्ट सेंसर और 3 कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है, यानी आप 64GB वाला भी बाइक कर लेते हैं, तब आप भैया इसमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए आप माइक्रो SD का स्लॉट लगा पाएंगे और अपनी दो नैनो सिम यूज कर पाएंगे। तो यही था डिफरेंस Redmi 9 Prime और पोको M2 में, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, तो आपको यहाँ पे कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं। तो आपको एक ऐसा लगा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आपको क्या लगता है, क्या पोको M2 11,000 रुपये में एक बेटर डील है, क्योंकि जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो तो नहीं लेने वाला है। आप 11,000 रुपये में पोको M2 को बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं, अगर आपको बिना एड्स वाला एक चाइनीज फ़ोन यूज़ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।